नमस्कार दोस्तों, तो हमारी आज की कहानी है कुंभकर्ण के पूर्व जन्म का रहस्य। रामायण का एक प्रमुख पात्र है कुंभकर्ण। रावण का यह भाई इतना विशाल और भयंकर था कि एक दिन में कई गांवों का भोजन अकेले खा जाता था। भूख शांत ना होने पर यह प्रजा को भी खा जाता था। ब्रह्मा जी भी कुंभकर्ण की इस शक्ति से चिंतित थे, इसीलिए जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की तो वरदान मांगते समय देवी सरस्वती कुंभकर्ण के जिह्वा पर बैठ गए। परिणाम यह हुआ कि कुंभकर्ण ने इंद्राशन मांगने की जगह निद्राशन मांग लिया। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराए और तथास्तु कह दिया ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। लेकिन रावण की विनती पर 6 महीने में एक दिन जागने का वरदान दे दिया, जिससे कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, फिर एक दिन उठकर भोजन करके फिर सो जाता था। इस भयंकर राक्षस की कहानी बस इतनी नहीं है, रामायण में कुंभकर्ण के पूर्व जन्म का भी उल्लेख मिलता है। यह भयंकर राक्षस पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के साथ महायुद्ध कर चुका था। पूर्व जन्म में भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारते हुए यह वैकुंठ में पहुंच गया था। यहाँ भगवान विष्णु के साथ इस असुर ने अपने भाई के साथ मिलकर 5000 साल युद्ध किया था, जिसका जिक्र देवी भागवत पुराण में भी मिलता है। पूर्व जन्म में कुंभकर्ण मधु नामक असुर था और इसका भाई कैटभ था। भगवान विष्णु से युद्ध कर हुए जब 5000 साल हो गए, तब देवी योग माया ने इसकी बुद्धि का हरण कर लिया और यह अहंकार में आकर भगवान विष्णु से ही वरदान मांगने के लिए कहा। बस यही भूल कर गया यह असुर। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम अपनी मृत्यु का उपाय बताओ। अपने ही वचन में फंसा हुआ मधु कैटभ अब कुछ कर नहीं सकता था। इसने बताया कि इसकी मृत्यु केवल भगवान की जंघा पर हो सकती है। भगवान ने अपने शरीर का विस्तार करना शुरू किया और अपनी जंघा में फंसा कर इन दोनों का सिर सुदर्शन चक्र द्वारा धड़ से अलग कर दिया। कुंभकर्ण राक्षस होकर भी राम की माया को जानता था, इसलिए रावण को समझाने का भी प्रयास किया था कि राम कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, इनसे युद्ध करके राक्षस जाति का विनाश होना तय है। लेकिन रावण अपने अहंकार में चूर था, उसने कुंभकर्ण को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। कुंभकर्ण ने अपने बड़े भाई के आदेश पर यह जानते हुए कि भगवान राम के हाथों मृत्यु होने से उसे मोक्ष मिलेगा, युद्ध के लिए रणभूमि में आया और विभीषण को राम के साथ रहते हुए धर्म के पालन का आदेश दिया और यह कहा कि इस युद्ध के बाद राक्षस कुल को कोई अग्नि देने वाला भी नहीं रहेगा। उस समय केवल तुम ही बचोगे जो उनका अंतिम संस्कार करके उन्हें मुक्ति दिला सकते। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो